डर इतना ज्यादा था उन स्टंट्स का कि हम लोग कोई इंटरेस्टिंग चीजें कर ही नहीं पाए, यहाँ तक कि झगड़े भी नहीं किए। जैसे कि एक्चुअली बोल रही है, कुछ समय नहीं था वहाँ पे। इनफैक्ट सारी लड़कियाँ एक दूसरे को इनकरेज कर रही थी और सपोर्ट कर रही थी और पुश कर रही थी आगे जाने के लिए। ऐसा सही है कि सब लोग जीतना चाहते हैं इस गेम में, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को गिरा कर आगे जाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये जो शो का बिगेस्ट खतरा ये है कि आप जो है, आपकी जितनी वीकनेसेस जो है वो पब्लिक को इट्स बी वेरी ऑब्वियस टू देम। सो आई थिंक दैट ऑल द गर्ल्स हु कम ऑन दिस शो रन दैट रिस्क कि आप पब्लिक में एक्सपोज हो जाएंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या है। आई थिंक दैट दैट्स द बिगेस्ट खतरा। एक समय आया जहाँ हमेशा मेरे पार्टनर मुझे पहले जाना था, मतलब वी वर नॉट द सेंटर ऑफ टारगेट एज सच, बट invariably we would end up, I think we ended up doing the maximum number one stunts, as in going first for a stunt. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। इसीलिए मुझे और मेरे पार्टनर और मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद कहीं तो, मतलब लोग कहते हैं कि हाँ ये बट अंदर से सभी यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन में आए। नहीं, मुझे पता ही नहीं था वॉट इट वॉज वेदर आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। एट वन पॉइंट इन टाइम मुझे ऐसे लगा कि लोगों की एटीट्यूड बिल्कुल बदल भी नहीं गए थे, बट इट्स जस्ट दैट सब लोग कॉम्पिटिशन में ही आए थे। सो झूठ बोल रहे जो, मतलब इफ एनीवन सेज कि नहीं हम लोग ऐसे ही, मतलब स्टंट्स करने आए थे, व्हाटएवर, इट वाज अ कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे। एंड बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पार्टनर मुझे पहले जाना था, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट गॉट टू मी कम्प्लीटली, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज टू चिल्ड आउट। इट्स नॉट एज ईजी एज इन अ प्लेस लाइक बिग बॉस। बहुत ही अलग है, और यहाँ जो है ज़्यादा अपने स्किल्स पे डिपेंडेंट है कि अगर आप स्टंट्स को करोगे या ना। आई थिंक दैट द रेस्ट इज जस्ट वेरी वेरी माइनर थिंग्स। बट आई बैक व्हाट शी सेड कि एक जो ऐसा मोड आता है कि एवरीवन स्टार्ट्स ऑफ सेइंग कि ओके यू नो वी पुश एंड एनकरेज ईच अदर, लेकिन एक तो ऐसा मोड आता है जब फाइनली इट इज ईच मैन टू हिमसेल्फ, क्योंकि फाइनली इट्स अ कॉन्टेस्ट। वहाँ पर जो था इतना ज्यादा डर था, एक अक्षय वहाँ पर हमारे लिए क्या कह रहे हैं, रोल मॉडल कह लें, टीचर कह लें, वो बनकर वहाँ खड़े थे। आई मीन रियली goes I think beyond the call of a horse. I mean he's very very good, bahut hi acche hain. While we were doing our stunts wo hamare partner ban jate the, because I guess from a partner you need encouragement and just you know to sort of boost your morale and confidence ki you are going to do it. Jab hum line mein khada kiya jata tha subah aur sham ko, aur tab hamari aapas mein itni baat, abhi aap dekh hi rahe ki baatein to phir bhi chalu hi hai, तो तब हमें बड़ी डांट पड़ती थी। हाँ, कभी कभार अगर कोई स्टंट उनके एक्सपेक्टेशन के लेवल पे थोड़ा कम किया तब थोड़ी डांट पड़ती थी, बट दैट इज टू बी रियली गुड। इट हाँ थोड़ी नहीं, काफ़ी डांट पड़ती थी, और दैट एक्चुअली वॉज क्वाइट इनकरेजिंग, क्योंकि जब उनकी डांट पड़ती थी तब हमें पता चलता था कि ही रियली वॉन्ट्स टू पुश अस, ही नोज दैट वी प्रॉब्ली हैव द यू नो द कैपेबिलिटी टू यू नो ऑल द वे गो, एंड व्हेन वी एक्चुअली डिड अ गुड जॉब, बट अच्छा काम करते थे तो शाबाशी भी मिलती थी। एक बार अपना वंस यू आर इनटू इट तो आपको वहाँ ही रहना है। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग आउट फॉर श्योर। आई मीन एवरीबॉडी वांट्स टू बी देयर। ऑल आई कैन से इज आई वाज नॉट इक्विप्ड फॉर इट, दैट इज माय वीकनेस व्हिच इज होल्डिंग माय ब्रेथ अंडर वाटर, एंड आई पेड अ प्राइस फॉर इट, सो आई जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट। हम में से हर किसी ने एक एक कोई ना कोई फेयर जरूर लूज किया अपना। ऐसा है कि अगर मुझे वो सब स्टंट्स दोबारा करने के लिए मिलेंगे विदाउट द स्ट्रेस, विदाउट द कॉम्पिटिशन, विदाउट द फैक्ट कि तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर 15 फ्लैग्स लाने, तो मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे लगता नहीं कि एक दिन भी ऐसा निकला वहाँ पे जब मुझे ऐसा एक्सट्रीम स्ट्रेस नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में इतनी मैंने डिसिप्लिन कभी नहीं देखा। वहाँ 4 बजे सुबह उठो, 9 बजे रात को सो जाओ, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे लाइन में खड़े हो, बात करो तो डांट पड़ती है जैसे कि हॉस्टल में हो, और अक्षय कुमार जो है वहाँ पे आपके हेडमास्टर खड़े हुए हैं, अगर आप बात करेंगे तो वो आपको डांटेंगे, आपको समझाएंगे कैसे काम करना है। तो इट वाज रियली लाइक दैट, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे स्टंट्स, नो इट वाज बैक टू स्कूल, इट वाज बैक टू स्कूल, नहीं नहीं ये सब बहुत वहाँ पे हंसी मजाक करते थे, बहुत इन सब ने बहुत फन किया। दैट इज ट्रू, इट वाज लॉट ऑफ फन एक्चुअली।